हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं गाइस कल्चर वाला जो क्वेश्चन था आपका, लेट्स डिस्कस द कल्चर। वी हैव जस्ट टू टॉपिक्स हियर इन द कल्चर, विल कंप्लीट इट टुडे इन दिस वीडियो बाय। ठीक है, तो अभी देखो अगस्त 2023 का मंथली मैगजीन विजन का, और इसमें गाइस देखो साइंस वाला क्वेश्चन वो आपको कल मिल जाएगा। लेट्स डिस्कवर कि भाई कल्चर में इस बारी क्या क्या था। तो देखो, श्री अरविंदो घोष वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक फिगर, तो इनकी इस बार ना 150 वर्ष गांठ थी। ठीक है, यानी कि 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, और ये कंक्लूड करी गई एरोवेली पुडुचेरी में। अब कैसे पुडुचेरी में, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले समझ लो इस पॉलिट इनके बारे में जान लो। देखो, ये ना एक 20th सेंचुरी के बंगाली पोइट थे, अरविंदो घोष। ठीक है, नाम से समझ में आता है इनके कि बंगाल से इनका रिलेशन रहा है। फिलोसोफर रह चुके हैं ये, स्पिरिचुअल लीडर ये रह चुके हैं, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ये रह चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं 20th सेंचुरी की, बिल्कुल बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। अच्छा, अर्ली लाइफ अगर आप इनकी देखते हो तो अर्ली लाइफ में इनकी ये बॉर्न होते हैं 15 अगस्त 1872 में। ठीक है, कैलकटा के डिस्ट्रिक्ट का आपके वेस्ट बंगाल में ही होते हैं। एजुकेशन की बात करोगे तो इनकी जो शुरुआती एजुकेशन थी, इन्होंने क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में पढ़ाई करी। जब 7 साल के थे तो ये अपना इंग्लैंड जाते हैं और अपने ब्रदर के साथ, और वहाँ पर ये लंदन के स्कूल में सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते हैं, और वहीं पर फिर एक किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में था, वहाँ पर 1890 में इनकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म होती है। अब 1893 में ही इंडिया वापस आते हैं और बड़ौदा स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट। फिर ये उसके बाद प्रोफेसर बन के फ्रांस में जाते हैं, फ्रेंच में, एट बड़ौदा कॉलेज। ठीक है, इट्स इन इंडिया ओनली, नॉट इन द फ्रांस। फ्रेंच प्रोफेसर के रूप में जाते हैं बड़ौदा कॉलेज में। तो इनके बारे में चीज़ याद रखना, फ्रेंच के प्रोफेसर भी थे। अच्छा, नेशनलिस्ट मूवमेंट की अगर बात करोगे तो इनका पार्टिसिपेशन डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आपको इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट याद है तो ये उसके पायनियर थे। इन्होंने ही अनुशीलन समिति को गठन किया था 1902 में, इस्टेब्लिश किया था। श्री अरविंदो ने अपनी जॉब को छोड़ा, पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए बंगाल के पार्टीशन के बाद, यानी कि 1905 के बाद जो पार्टीशन बंगाल का हुआ उसके बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। सूरत का स्प्लिट होता है, सेशन होता है 1907 के अंदर, और सूरत स्प्लिट भी हो गया। अब ये ज्वाइन करते हैं एक्सट्रीमिस्ट वाले ग्रुप पे, जिसमें लाल बाल पाल थे, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं मॉडरेट्स के अगेंस्ट। ये पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करते थे, वायलेंस ये भी पसंद नहीं करते थे, और इनका एक ही मानना था कि भाई वायलेंस के बेसिस पे फ्रीडम ना लें हम। लेकिन 1908 में क्या होता है, हुआ अरेस्टेड इन कनेक्शन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में फंस जाते हैं। अब इनकी किताबों के बारे में जान लो, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, श्री अरविंदो घोष जी द्वारा, रिटन बाय हिम इन इंदू प्रकाश फ्रॉम 1893 एंड 1894 में। आर्टिकल्स इनके रिटन बाय हिम ओनली इंदू प्रकाश के अंदर। उन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस की। मार्च 1906 में बंगाली न्यूज़पेपर युगांतर में भी इन्होंने काफ़ी कुछ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और ओपन रिवोल्ट के बारे में बात करा है। वंदे मातरम को इन्होंने न्यूज़पेपर को एडिट किया था, जो कि विपिन चंद्र पाल जी का था। ठीक है, अब ये ना रिलीज़ होते हैं जेल से 1909 में, और फिर अपने एक दो वीकली न्यूज़पेपर्स को खोलते हैं। एक आपका कर्मयोगी इंग्लिश में, धर्मा आपके वीकली आपके आती है बंगाली भाषा में। कुछ और भी चीज़ें, जैसे इन्होंने अपना फिलोसफिकल मैगजीन आर्य 1914 में बनाया, कई सारे पोएम्स का कंपिलेशन, एस्से ऑफ गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, क्योंकि देखो पोएट भी थे। आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, सारी किताबें, एसेज, लेटर, पोएम इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब इनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानोगे तो देखो, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को इन्होंने बहुत एक्टिव रोल निभाया 1910 तक। उसके बाद ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए। इनकी लाइफ पूरी डिवाइन, एसेज ऑन गीता, ये सब इन्होंने बहुत लिखे इस पीरियड में। ही डेवलप्ड अ काइंड ऑफ योगा जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, जिसमें इनका विश्वास था कि इंसान अपने आप को ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन अचीव कर सकता है। इंटरनल योगा का मतलब है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना, अपने एक कॉन्शियसनेस, अपने आप को लिबरेट कराना, बेसिकली ये कहते थे कि ऐसा करा जा सकता है। तो कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने श्री अरविंदो आश्रम बनाया 1926 में विद मीरा अल्फासा, ये फाउंडेड द ऑरो विला, सिटी ऑफ डॉन, यूनिवर्सल टाउन इसे बोलते थे। अच्छा, इनकी लाइफ फिलॉसफी के बारे में बात करोगे तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, इस पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। प्रैगमेटिज्म पे इनके अकॉर्डिंग जो जन है, जो नॉलेज है, भक्ति, डिवोशन, कर्मा, ये सबसे, ये सारे तीनों ही पाथ हैं जो इंसान को उसके डिवाइन पाथ तक लेके जाते हैं, नॉलेज, डिवोशन और वर्क एथिक्स। अच्छा, जो इनके सिंथेसिस थे, स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बहुत अच्छे ये साउंड पर्सनैलिटी साउंड करते थे। अच्छा, इनका कोई भी ना, देखो ये बिलीव नहीं करते थे मैन मेड डिविजन्स पे, सोशल इनक्वालिटी पे इनका बहुत ये क्रिटिसाइज़ करते थे, बल्कि कि ये ऑब्स्टेकल्स ही बनते हैं इंसान के कॉन्शियसनेस से, तो अपने इस सबसे उठते चले जाएं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गाइस, याद रखना, श्री रामानुजाचार्य जी की टीचिंग से बहुत ये होते,
हु आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ आउटकास्ट इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, तो ये सारी जो टीचिंग्स इन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये रहे थे। तो ये आपने पढ़ा श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, 150th एनिवर्सरी थी तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं चेस का वर्ल्ड कप 2023। तो भाई देखो, 2023 में एक बड़ा कमाल हुआ, अगर हम विश्वनाथ आनंद जी के बाद अब नेक्स्ट जो नाम लेने वाले हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर के फॉर्म में, तो वो रमेश बाबू प्रगनंदा जी हैं। सेकंड प्लेस इन्होंने फिनिशिंग में लेकर आए हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में बाय वर्ल्ड कप 2023। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान लो, देखो तमिलनाडु 2005 में पैदा हुए हैं, चेन्नई के अंदर। वर्ल्ड यूथ चेस चैम्पियनशिप में अंडर टाइटल 8 उन्होंने जीता 2013 में, 2015 में जीता। इंडिया के यंगेस्ट एंड वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ये पर्सन है जिन्होंने एट द एज ऑफ 12 years 10 months and 13 days इतना बड़ा कमाल कर दिया था। 2022 में जब ये 16 साल के थे तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफीट किया चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। अच्छा, इनकी ना तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनकी जो है ना तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी पर्सनैलिटी में जो मुझे लगता है आपको भी होनी चाहिए आपके अंदर भी। एक, इनके पास पेशेंस बहुत है, समझ रहे हो आप, ये ना बहुत ज़्यादा हेस्टी नहीं दिखाते अपने डिसीजंस में, बड़े पेशेंटली काम करते हैं। और इसके बाद कंपोज बहुत है, कंपोजर बहुत ज़्यादा है, मतलब अपनी छोटी सी एज में अप एंड डाउन जितने देखने के बावजूद भी ना ये एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो ना अपनी विक्ट्रीज को बहुत सेलिब्रेट करता है ना ही बहुत डिफीट्स को देखता है। अच्छा, ह्यूमिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिक विन हुआ, रिमेन रिस्पेक्टफुल बहुत ज़्यादा रहे। अच्छा, फाइड आपका वर्ल्ड कप के बारे में समझ लो, देखो ये वर्ल्ड का चेस इवेंट है, फाइड इसको ऑर्गेनाइज कराता है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, इसमें जो प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन पर आते हैं। फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट की बात करोगे 2024 की, तो ये टूर्नामेंट 8 प्लेयर्स के बीच में होता है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे। फाइट का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में, याद रखना इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड लॉसन में है, गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेट करती है इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन को। ठीक है, चेस टाइटल्स आपको देखो याद होता होने चाहिए कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कितनी रेटिंग चाहिए। विश्वनाथ आनंद ने 5 times वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहे हैं वो, तो लाइक दिस। तो देखो विद यंगर प्लेयर्स लाइक रमेश बाबू, प्रगनंदा, डी मुकेश है ना, अर्जुन इरिगेसी, ये सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इंडिया के लिए, बहुत रिस्पेक्टफुल बात भी है। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट्स, गाइस आपको शॉर्ट वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। दिस इज़ अबाउट जस्ट अबाउट योर कल्चर, तो ही पोर्शन से आपके, लेट्स जस्ट रिवाइज इट थॉरली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी अ पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।